हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू अपने चैनल इजी निटर पर आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक सिंगल कलर का निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 14 के मल्टीपल फंदे प्लस 3 फंदे चाहिए। इस सिलाई में मैंने 45 फंदे डाले हैं और दो सिंपल सिलाइयाँ बना ली हैं, एक सीधी सिलाई एक उल्टी सिलाई। आइए देखते हैं पैटर्न की शुरुआत कैसे करनी है। पहले 4 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 4 फंदे सीधे बनाए, अब 2 फंदों का एक करना है, पर सिलाई हम लेफ्ट हैंड की तरफ से डालेंगे दोनों फंदों में और 2 का एक करेंगे। ये देखें, इस तरह से ऊन आगे करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब ऊन को बिना पीछे ले जाए एक फंदा सीधा बनाएंगे, यानी यहाँ पर एक जाली बन गई। अब ऊन को बिना आगे लाए 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये देखें, ये सीधे फंदे के आसपास जाली आ गई। अब ऊन पीछे करेंगे, 2 का एक करेंगे। अब डायरेक्शन हमारी राइट टू लेफ्ट रहेगी, तो पहला फंदा हम उतारेंगे, दूसरा फंदा बनाएंगे और ये उतारा फंदा इसके ऊपर से उतार लेंगे। ये देखें इस तरह से, अब ये इस डायरेक्शन में राइट टू लेफ्ट 2 का एक है। पहले जो हमने ये 2 का एक बनाया था, ये लेफ्ट टू राइट है। अब 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, अब फिर 2 का एक करेंगे पर लेफ्ट टू राइट। ये देखें, लेफ्ट साइड से दोनों फंदों में सिलाई डाली, 2 का एक कर लिया हमने। अब ऊन आगे करेंगे, 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ऊन को बिना पीछे करे एक सीधा, ऊन को बिना आगे लाए 2 उल्टे, फिर 2 का एक, ऊन को पीछे ले गए, ये 2 का एक लेफ्ट टू राइट, ये 2 का एक राइट टू लेफ्ट होगा। ये हम एक फंदा उतारेंगे, एक बनाएंगे और ये इसके ऊपर से हम उतार देंगे। फिर 5 फंदे सीधे, फिर 2 का एक लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से सिलाई डाली दोनों फंदों में और एक कर दिया। अब ऊन आगे, 2 का एक, ऊन को बिना पीछे ले जाए एक फंदा सीधा, उनको बिना आगे लाए 2 फंदे उल्टे, फिर 2 का एक, ये राइट टू लेफ्ट और 4 फंदे सिंपल सीधे। उल्टे सिलाई पर जो फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं उन्हें हम उल्टा बनाएंगे और जो फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं उन्हें हम सीधा बनाएंगे। अब ये देखें फ्रेंड्स, हमारी थर्ड रो है, ये सीधी सिलाई है हमारी। पहले अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, एक उतारा और 2 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब ये देखें, ये फंदा हमारा 2 का एक हो रहा था पहले, अब इससे आगे वाला मिलाकर हमें 2 का एक करना है। लेफ्ट हैंड की तरफ से सिलाई डालनी है और ये दोनों को एक कर लेना है। ये देखें इस तरह से, अब ये 2 फंदे उल्टे, ये जो 2 फंदे हम उल्टे बनाते हैं यही फंदे उल्टी सिलाई की तरफ से सीधे बनते हैं। अब ऊन पीछे की एक फंदा सीधा, ऊन आगे की एक फंदा सीधा, ऊन आगे की एक फंदा सीधा। ये देखें, ये बीच का फंदा चल रहा है और इसके आसपास जाली आ गई है और उसके आसपास एक एक सीधा फंदा है। अब ऊन आगे की 2 उल्टे फंदे, ऊन पीछे की 2 का एक राइट टू लेफ्ट, इसके लिए हम फंदा उतारेंगे अगला बनाएंगे और ये इसके ऊपर से हम उतार देंगे। अब ये पहले बीच में 5 फंदे थे, अब ये हम 3 सीधे बनाएंगे, 2 3। अब ये 2 का एक होगा, ये लेफ्ट टू राइट, ये देखें 2 का एक हो गया। अब ऊन आगे, 2 फंदे उल्टे,
अब ये प्रोसेस यहां से दोबारा रिपीट होगा, ये दो फंदे उल्टे, एक सीधा एक जाली, एक सीधा एक जाली, एक सीधा, फिर दो उल्टे, ये पूरी लाइन इसी तरह से अब हम बना लेंगे। ये देखें सीधी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। सिलाई के शुरू में भी हमारे पास तीन सीधे फंदे थे, फिर दो का एक, और सिलाई के एंड में भी यहाँ दो का एक होने के बाद हमारे पास तीन सीधे फंदे। अब हमारी उल्टी सिलाई है, ये फोर्थ सिलाई है। उल्टी सिलाई पर जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है उसे हमने वैसे ही बना लेना है। जो फंदे हमारे ये देखें दो सीधे, ये जो हमने सीधी सिलाई की तरफ से उल्टे फंदे बनाए थे ये इस तरफ से सीधे बनेंगे, बाकी फंदे उल्टे बनेंगे। अभी हमारी पांचवी सिलाई है, अब दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, पहले दो फंदे सीधे, फिर दो का एक लेफ्ट टू राइट, दो का एक ऊन आगे दो उल्टे, ऊन पीछे दो सीधे, ऊन आगे एक सीधा, ऊन आगे दो सीधे, ऊन आगे दो उल्टे, ऊन पीछे दो का एक राइट टू लेफ्ट। पहले यहां पर पांच सीधे थे फिर तीन हुए, अब एक रह जाएगा, एक सीधा बना लिया, अब दो का एक होगा लेफ्ट टू राइट। ये पैटर्न यही वाला रिपीट होगा। अब आप देखें इस तरह से कि दो दो फंदे आसपास उल्टे हैं, फिर ये दो सीधे दो सीधे, फिर ये दो जाली हैं और बीच में एक फंदा चल रहा है। इसी तरह से इस पैटर्न को हमने यहाँ पर डालना है। ये देखें इसी तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। एक बार और बताती हूँ, दो उल्टे एक सीधा दो सीधे आगे ऊन, ये जो जाली बनेगी, एक सीधा आगे ऊन, फिर दो सीधे, फिर आगे ऊन दो उल्टे, फिर राइट टू लेफ्ट दो का एक, एक सीधा, फिर लेफ्ट टू राइट दो का एक। इसी तरह इस लाइन को आप कंप्लीट कर लें। अभी हमारी छठी सिलाई है, ये हमारी उल्टी सिलाई है। इसमें जो फंदा हमें जैसा दिख रहा है हम उसे वैसा ही बना लेंगे। जो फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं उन्हें हम उल्टे बनाएंगे, और जो फंदे हमें सीधे दिख रहे हैं उन्हें हम सीधे बनाएंगे। हर बार उल्टी सिलाई पर हमें ऐसा ही करना है। अब ये देखें छह सिलाइयां हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारी सातवीं सिलाई है, ये सीधी सिलाई है। अब हमारा एक फंदा उतरेगा, अब ये दो फंदे दो का एक होगा लेफ्ट टू राइट, दो का एक कर लिया, आगे ऊन की दो उल्टे बनाए, पीछे ऊन की अब तीन सीधे बन जाएंगे, ऊन आगे एक सीधा, ऊन आगे तीन सीधे, अब ऊन आगे दो उल्टे। ये देखें अभी तक आपको ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा। इस तरफ हम जाली से फंदे बढ़ा रहे हैं और ये ऐसे साइड साइड में हम घटा रहे हैं। अब ये हमने तीन का एक करना है, इसके लिए हमने पहला फंदा उतारना है। ये तीन का एक वो हो रहा है जो हमारे पहले पांच फंदे थे बीच में सीधे, फिर तीन, फिर एक हुआ। अब ये पहला फंदा हमने उतारा, ये दो को हमने एक साथ बनाया और ये हमने इसके ऊपर से उतार दिया, ये तीन का एक हो गया। ये देखें इस तरह से अब यही पैटर्न हमारा आगे रिपीट होगा। दो उल्टे पीछे ऊन तीन सीधे, आगे ऊन एक सीधा, आगे ऊन तीन सीधे, दो उल्टे। इसी तरह ये पूरी सिलाई आप कंप्लीट कर लें। अभी हमारी आठवीं सिलाई है, ये उल्टी सिलाई है। इस पे जो फंदे हमें जैसे दिखेंगे उन्हें हम वैसे बना लेंगे, जो उल्टे दिखेंगे उन्हें हम उल्टा बनाएंगे, और जो सीधे दिखेंगे उन्हें हम सीधा बनाएंगे।
ये देखें फ्रेंड्स, 8 सलाइयां पूरी होने पर हमारा पैटर्न इस तरह से नजर आएगा। ये सीधी तरफ है और उल्टी तरफ से ये इस तरह से नजर आएगा। अब हमने अपना पैटर्न चेंज करना है। चेंज करने का मीन्स जो ये पैटर्न है ये अब इसके ऊपर डलेगा और इसके ऊपर नई पत्ती ये यहाँ से शुरू होगी। ये मैं अब आपको बताती हूँ कैसे करना है। ये 9वीं सलाई है हमारी, 2 फंदे हमने सीधे बना लिए। ये बिना ऊन को आगे किए हमने 2 उल्टे बना लिए, यानी अब हमारी जाली ये 2 फंदों के बाद यहाँ पर आ गई। ये देखें, ये जाली आ गई हमारी। अब हमने ऊन पीछे की, अब यहां पर हमें 2 का 1 करना है, राइट टू लेफ्ट। ये देखें 2 का 1 हो गया। अब बीच के फंदे 1, 2, 3, 4, 5 सीधे बन गए और इधर से 2 का 1 लेफ्ट टू राइट। अब देखें सेम वही पैटर्न यहां से शुरू हो गया जो हमने यहां डाला था। ऊन आगे 2 उल्टे। अब बिना ऊन को पीछे ले जाए ये फंदा सीधा जो हमने यहां पर अपना डाला था पैटर्न फर्स्ट सलाई पे, वो अब डाल रहे हैं हम। ऊन को बिना आगे लाए 2 फंदे उल्टे, यानी ये जो 3 का 1 हुआ था इसके आसपास अब ये जाली आ गई। ऊन पीछे 2 का 1, ये राइट टू लेफ्ट होगा। तो एक फंदा हमने उतारा, अगला फंदा हमने बनाया और ये इसके ऊपर से हमने उतार दिया। बीच के 5 फंदे सीधे, 2, 3, 4, 5। अब 2 का 1 होगा लेफ्ट टू राइट, दोनों फंदों में लेफ्ट साइड से सलाई डाली और हमने इन्हें बना दिया। अब ऊन आगे 2 उल्टे। अब बिना ऊन को पीछे ले जाए ये फंदा सीधा, बिना ऊन आगे लाए 2 फंदे उल्टे। ऊन पीछे ले गए अब हम 2 का 1, 5 सीधे, फिर ये 2 का 1 लेफ्ट से राइट की तरफ, फिर ऊन आगे 2 उल्टे, फिर ऊन को बिना पीछे ले जाए 2 फंदे सीधे। अब उल्टी तरफ से पहले की तरह जो फंदे हमें जैसे दिखाई दे रहे हैं उन्हें हम वैसे ही बना लेंगे। अब ये देखें, अभी हमारी 11वीं सलाई है, ये हमारी सीधी सलाई है। पहले 3 फंदे सीधे, 2, 3, 3 फंदे सीधे, ऊन आगे, ऊन को बिना आगे किए 2 फंदे उल्टे, क्योंकि ये हमें यहाँ पर जाली डालनी है। अब ऊन पीछे, एक फंदा उतारा, एक बनाया, 2 का 1 करना है, ये इसके ऊपर से उतार दिया, 2 का 1 हो गया। बीच में 3 फंदे सीधे, फिर 2 का 1 लेफ्ट टू राइट, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर ऊन पीछे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे, एक फंदा सीधा, ऊन आगे, 2 फंदे उल्टे। ये देखें, अब फिर हमने यहाँ से अपना डिज़ाइन रिपीट करना है। 2 का 1 3 सीधे, 2 का 1, इसी तरह से ये पूरी सलाई अब हमने बना लेनी है। ये 12वीं सलाई जो कि हमारी उल्टी सलाई थी, इस पर हमने जो हमें फंदा जैसा दिखा वैसा बना लिया, सीधे को सीधा बनाया, उल्टों को उल्टा बनाया। अब हमारी 13वीं सलाई है, 13वीं सलाई पर पहले 4 फंदे हमारे सीधे बन जाएंगे, 2, 3, 4। अब ऊन को बिना आगे लाए ये 2 फंदे हमने उल्टे बनाने, ऊन पीछे ले गए। अब ये 2 का 1 करना है हमें,
राइट टू लेफ्ट एक सीधा, ये लेफ्ट टू राइट दो का एक, ये देखें अब आपको नजर आ रहा होगा ये पत्ती की शेप बन रही है, ऊन आगे दो उल्टे, ऊन पीछे दो सीधे, ऊन आगे एक सीधा, ऊन आगे दो सीधे, ये देखें अब यहाँ से ये नई पत्ती शुरू हो रही है, ऊन आगे दो उल्टे। अब हमने इसी प्रोसेस को आगे रिपीट करना है, ये दो का एक, एक सीधा, दो का एक, दो उल्टे, और यहाँ से ये इसी तरह आगे हमने रिपीट करके ये सिलाई को कंप्लीट करना है। ये देखें 13वीं सिलाई का अब एंड आ गया, ये पूरी सिलाई हमने बना ली है। लास्ट में चार फंदे सीधे बनेंगे, ये दो फंदे उल्टे बनाने के बाद हम उनको पीछे नहीं करेंगे और चार फंदे सीधे बना लेंगे। अब ये हमारी उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई पर हमें जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा हमने बना लेना है, उल्टे फंदे उल्टे बनेंगे और सीधे फंदे सीधे बन जाएंगे। ये देखें फ्रेंड्स अब हमारी 15वीं सिलाई है जो कि हमारी सीधी सिलाई है, अब ये पत्ती हमारी यहाँ पर बंद होगी। अब ये देखें पहले एक दो तीन चार पांच फंदे सीधे, उनको बिना आगे लाए ये दो फंदे उल्टे, अब उनको हमने पीछे किया, पहला फंदा हमने उतारा, ये जो हमारे पत्ती के तीन फंदे हैं इसका, और ये दो फंदों ये हमने एक फंदा उतारा, ये दो का एक किया और ये उतारा हुआ फंदा इसके ऊपर से हमने उतार दिया, यहाँ पर हमारी पत्ती बंद हो गई। देखें एक पत्ती हमारी कंप्लीट हो गई। अब ये दो हमारे उल्टे, ऊन पीछे ले गए, तीन फंदे सीधे, ऊन आगे लाए, एक फंदा सीधा, ये देखें अब ये हमारी नई पत्ती है, ऊन आगे लाए तीन सीधे, ऊन आगे लाए दो उल्टे, ऊन पीछे ले गए। अब ये फिर ये पत्ती हमें बंद करनी है, एक पहला फंदा हमने उतारा, ये दो का हमने एक किया, ये देखें, और ये उतारा हुआ फंदा इसके ऊपर से उतार दिया हमने, ये हमारी पत्ती बंद हो गई। अब इसी तरह से यहाँ से ये हम आगे बना लेंगे और ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी सिलाई पर जो फंदा हमें जैसे दिखेगा उसे हमने वैसे ही बना लेना है। अब ये देखें एक पत्ती हमारी कंप्लीट हो गई है और 16 सिलाइयाँ हमारी इसको बनाने में कंप्लीट हुई हैं। अब ये पैटर्न हमारा वहीं से शुरू होगा जहाँ से हमारी फर्स्ट सिलाई हमने शुरू की थी, वहीं से ये अब पैटर्न हमारा शुरू होगा। अब एक सिलाई में आपको बनाकर दिखा देती हूँ कि ये शुरुआत हमने कैसे करनी है। चार फंदे सीधे, ये बिल्कुल सेम उसी तरह से बनेगी सिलाई जैसा हमने पहली सिलाई बनाई थी। अब ये दो का एक, चार सीधे, दो का एक, ऊन आगे दो उल्टे, ऊन को बिना पीछे ले जाए एक सीधा, ऊन को बिना आगे लाए दो उल्टे, यानी अब ये यहाँ से नई पत्ती शुरू हो जाएगी, ये दो जाली डल गई हैं, ये दो उल्टे, ऊन पीछे ले गए, यहाँ दो का एक, यानी अब ये पत्ती बंद होना शुरू हो गई। बीच के पांच सीधे, चार पांच, अब ये दो का एक, लेफ्ट टू राइट, ये देखें ये पत्ती यहाँ से बंद होना शुरू हो गई और यहाँ से नई पत्ती शुरू हो गई। आगे ऊन दो उल्टे, ऊन को बिना पीछे ले जाए एक सीधा, ऊन को बिना आगे लाए दो उल्टे, अब ऊन पीछे ले गए, दो का एक होगा, राइट टू लेफ्ट, पांच सीधे, चलो अब ये लेफ्ट टू राइट,
दो का एक, दो उल्टे, ऊन को बिना पीछे ले जाए एक सीधा, बिना आगे लाए दो उल्टे। अब ऊन पीछे ले गए, अब दो का एक, ये दो का एक हो गया और चार सीधे। ये हमने जैसे हमारी फर्स्ट सिलाई बनाई थी उसी तरह बना लिए। अब सेकंड सिलाई हमारी उल्टी सिलाई, उसे हम जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा बनाएंगे। फ्रेंड्स, पैटर्न अब तक आपको समझ में आ गया होगा। इस पैटर्न को आगे थोड़ा और बना करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लगेगा। ये देखें फ्रेंड, जब हम इस पैटर्न को आगे आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको नजर आएगा। ये देखें, ये पत्तियाँ एक के ऊपर एक कंटिन्यू हो रही हैं। आप चाहें तो इसको ऑल ओवर भी डाल सकते हैं और चाहें तो आप इसको ये एक पत्ती भी डाल सकते हैं, गैप बढ़ाकर ये उल्टे फंदों का कार्डिगन वगैरह की साइड में एक पत्ती भी डाल सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।